सब्सक्राइब करें केस यूनिक किचन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। खुश रहिए, बात नहीं अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की सौगात, वेरी वेरी स्पेशल कश्मीरी चाय की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है लेकिन पीने में बहुत ही मज़े की लगती है। तब जब इसको हम इसके साथ गाजर के हलवे के साथ इसको सर्दियों में एंजॉय करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। रेसिपी को जानने के लिए रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे हमने दूध लिया है 1 लीटर, शक्कर लिया है हमने 4 टेबलस्पून, शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 3 टेबलस्पून हमने लिए है कश्मीरी चाय यानी कि ग्रीन टी। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसमें काजू है, पिस्ता है, बादाम है, इसको हम बारीक बारीक पीस लेंगे। यहाँ पे 1 पिंच मैंने नमक लिया है और 2 पिंच मैंने लिया है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। यहाँ पे 1 स्टिक मैंने लिया है दालचीनी की, 1 बादियान का फूल, इसको चक्री फूल भी कहते हैं, और थोड़ी सी मैंने इलायची ली है। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी हमें कश्मीरी चाय बनाने के लिए। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मैंने पानी जो है इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में 1 बॉयल आने का वेट कर लेते हैं। जी तो इधर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। दूध को हम गर्म करेंगे जब तक 1 उबाल इसमें नहीं आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे पानी जो है हमारा पकने लग गया है। 3 कप हमने पानी लिया था, तो अब इसमें पत्ते ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 स्टिक्स दालचीनी का टुकड़ा और बादियान का फूल। इलायची को हम थोड़ा सा पीस के डाल देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे इलायची को हमने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय को हमने इतना कावे को पकाना है कि ये 3 से 1.5 कप रह जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, यहाँ हमारे दूध में 1 बॉयल आ गया है, तो अब इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने बारीक बारीक पीस लिए हैं, ज़्यादा बहुत बारीक भी नहीं लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल टेस्ट जो होगा वो इसी के ही आएगा। तो कुछ जो है हमने रख लिए हैं गार्निश के लिए, कुछ इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से हमने दूध को फेंटना है ताकि ये दूध जो है हमारा थोड़ा थिक हो जाए। इसी से चाय का टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा। इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है, यानी कि 3 कप का 1.5 कप रह गया है। तो अब इसको दूध में शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डायरेक्ट ही छान लेंगे, कोई इधर उधर से दूसरे बर्तन को नहीं यूज़ करेंगे, ना ही निकाल के रखेंगे, डायरेक्ट इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम कहवे को बचा के रखने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही डाले थे, अगर आपने देर तक यूज़ करना है तो फिर अलग से उसको निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी कश्मीरी चाय जो है वो रेडी हो रही है। 1 बॉयल आने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अब देख सकते हो ज़बरदस्त सी हमारी कश्मीरी चाय जो है बनके रेडी है। कप में निकालते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी कश्मीरी चाय जो है बनके रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।